के बाद आपका स्वागत। और चलिए बुलेटिन में बात डबल निगम डबल घमासान की। तो जयपुर हेरिटेज में अब कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है। निर्दलीय 5 पार्षद कांग्रेस खेमे में आने के बाद अब कुल पार्षदों की संख्या 52 हो गई है। निर्दलीय प्रत्याशियों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर बैठक हुई। बैठक के बाद सभी पार्षदों को एक होटल में ठहराया गया। जयपुर हेरिटेज में बनेगा कांग्रेस का बोर्ड। श्रीवास भी अब काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। जो एक शाम को थोड़ी तनाव सा था आपके चेहरे पे, जो ही 5 निर्दलीय आपके साथ आए तो पूरा विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी। निर्दलीय भी अधिकतर कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। पहले से तय था यहाँ मीटिंग होनी है मेरे घर पे। आगे की रणनीति यही थी और लग रहा था हेरिटेज जीतेंगे। जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कांग्रेस के गहलोत सरकार के कामकाज की जीत है। 6 में से 4 निगम हम जीत गए, ये बड़ी जीत है। हेरिटेज हम बना लेंगे, ग्रेटर में हमारी सीटें कम आई है। कोटा हम दोनों जीत गए, जोधपुर 1 जीत गए। और इतना मैं कह सकता हूँ जयपुर के हर वार्ड में जन अदालत लगाकर एक एक समस्या का समाधान करना, कॉलोनियों की एक एक समस्या को समाधान करके वहाँ आधारभूत विकास करना हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल, एक एक वार्ड की जो है वो विकास किया जाएगा, ये कहना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को। तो एक बार फिर हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। देखिए बस में जो तमाम जो पार्षद है वो यहाँ पे सवार हो रहे हैं, सवार हो चुके हैं और अब इनको यहाँ से जो है वो ले जाया जाएगा इनको होटल शकुन में, जहाँ पे तमाम जो पार्षद है उनको बाड़े बंदी में यहाँ पे रखा जाएगा। एक बार जो बस के अंदर की एक बार तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो पार्षद है उनको एक एक करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। वो तस्वीर भी एक बार हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और इन बस में देखिए खुद मुख्य सचेतक महेश जोशी है, उन्होंने व्यवस्था संभाली है। हालांकि परिणाम जो जिस तरह के चाहते थे, जो उम्मीद थी वैसे नहीं हो पाया, लेकिन आंकड़ा भी इनके पक्ष में है निर्दलीय पार्षद के आने से। महेश जी, जिस तरह की संभावना थी, उम्मीद थी, लगता है उससे थोड़ा कम परिणाम आपके साथ आया, लेकिन निर्दलीय पार्षद आपके साथ आए हैं और अब एक उत्साह नजर आ रहा है आप में कि हाँ मेयर हेरिटेज में कम से कम बना लेंगे। देखिए हम पहले दिन से इस बात को लेके कॉन्फिडेंट थे कि हेरिटेज में निगम हमारा बनेगा, बोर्ड हमारा बनेगा, मेयर हमारा बनेगा। ये बात सही है कि जो हम चाहते थे उससे 5-7 पार्षद 10 पार्षद कम आए, ये सच्चाई है। लेकिन उनकी भरपाई जो निर्दलीय जीत कर आए हैं, उन लोगों ने स्वतः आगे बढ़कर उनकी भरपाई कर दी है। जो निर्दलीय जीत कर आए हैं कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, और उन्होंने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने की बात की। ये अपने आप में बहुत सकारात्मक बात है और इससे निश्चित रूप से हम जो ये सोच रहे थे कि हमको किससे बात करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने स्वतः अपनी इच्छा प्रकट की कि हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, जनता की सेवा होगी। हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड बनना अपने आप में एक अनूठी बात है। हमने उस मिथक को तोड़ा है जो जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना जिसको हमेशा तय बताते थे, उस मिथक को हमने तोड़ा है। हेरिटेज में हम पहली बार बोर्ड बनाने जा रहे हैं। 2009 में जब मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन जीते थे तब भी हम बोर्ड नहीं बना पाए थे, इस बार हम बोर्ड बना रहे हैं। और 6 में से पूरे राजस्थान में जो चुनाव 6 में से हुए, मैंने सुबह भी कहा था कि हम 4 जगह कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे और 4 जगह हम कांग्रेस का बोर्ड बना रहे हैं। बिल्कुल दावा है बोर्ड बनाने का, पार्षद है, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। आप जीत के आए हैं लेकिन अब कुछ दिन आपको कांग्रेस के बाड़े में रहना होगा, क्या डर है भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, हम पार्टी के साथ हैं और हमेशा पार्टी का सहयोग करेंगे। बिल्कुल कोई डर नहीं है, लेकिन पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने जो तय किया है, उसके अनुसार ही जो इनको यहाँ पे रहना होगा। और अब कुछ दिन जो है, जब तक 10 नवंबर नहीं आ जाता तब तक ये बाड़ेबंदी में रहेंगे। भले ही जो रणनीति बनाने का इसका कारण बताया जा रहा हो, भले ही ट्रेनिंग देने का कारण बताया जा रहा हो, लेकिन बात यही है कि एक रणनीति है कि कोई भी पार्षद टूटे नहीं, एक साथ रहे, इसी कारण से अब ये बाड़ेबंदी हो रही है। कैमरामैन संजय के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जोधपुर।